मैंने मतदान कर दिया है, आप भी लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। और दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ, और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। सर, इस बार बीजेपी 370 का लक्ष्य पूरा हो रहे हैं, एनडीए का 400 पार करना है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 200 में समझ जाएंगे, कुछ कहते हैं। जनता के आशीर्वाद से हमने 2014 में 282, 2019 में 303, इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल के चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे और 400 पार करके फिर एक बार विधानसभा में 6 सीटों पे हम चौके छक्के लगाने के लिए तैयार हैं। 4-4 लोकसभा, 6-6 विधानसभा उपचुनाव, तो उसके बाद तो सरकार का भी दावा मिला निश्चित तौर पर। उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उस और है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उनका भविष्य के बाद। सर, कांग्रेस एग्जिट पोल का वो करीब बायकॉट कर दिए कि हम उसमें शामिल नहीं। ये अपने आप में दिखाता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनावी नतीजों से पहले ही हार मान ली है, वो अभी भी कैमरा फेस करने के लिए तैयार नहीं, वो इस चुनाव में जनता को फेस करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उपलब्धियां थी नहीं, भविष्य की रणनीति थी नहीं, तो करें तो क्या करें। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आप चाहे 1 तारीख को इकट्ठे होकर जितनी मर्जी विपक्ष रणनीति बना ले, रणनीति इसके आसपास बनेगी कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ना है और इसके बाद क्या क्या बहाने लेकर सबने अलग अलग हो जाना है। और 5 साल के लिए अब ये लोग जाएं, थोड़ा ध्यान लगाएं कि अगला चुनाव 5 साल बाद कैसे लड़ना है। प्रधानमंत्री भी ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल वो ध्यान लगा रहे हैं। देखिए, जब आएंगे प्रधानमंत्री तो और ऊर्जा के साथ और ताकत के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया, हमारा देश बहुत आगे जाने के लिए, दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है, और एक विकसित भारत का संकल्प सिद्धि तक ले जाने के लिए तैयार है। मैं एक बार जरूर कहूंगा, आज नए भारत की बुलंद तस्वीर जो दुनिया देख रही है उससे और उम्मीदें लोगों में जाग रही है, और इस उम्मीदों को अवसर है नई ऊंचाइयों पर ले जाने का। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो चुनावों से पहले भी अगले 5 साल में क्या करना है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, पहले 100 दिन में क्या करने वाले हैं वो भी तय है, और 25 वर्ष का रोड मैप की विकसित भारत का क्या हो, हम उस दिशा में चुनाव से पहले तैयारी कर रहे थे। जब बाकी लोग अपनी रणनीति चुनाव के लिए नहीं बना पा रहे थे, हम वापस सत्ता में आके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे बढ़े वो काम भी किया। 4 जून को 400 पार होगा फिर एक बार। थैंक यू।